हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI टेक्नो इज लाइव पे। तो चलिए, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन कैंडिडेट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे थे NCL की, नॉर्दर्न कोन फील्ड की। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आई है कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है NCL का, वो देख लीजिए 29/11/2020 को डिक्लेयर किया गया है। आपका जो एग्ज़ाम की डेट वो 29/11/2020 को डिक्लेयर गया है। ऑल पोस्ट इन हेल ऑपरेटर के अंतर्गत आपको दी गई है। टाइमिंग आपको 90 मिनट्स दी गई है। एग्ज़ाम सेंटर आपके एडमिट कार्ड पे दी गई है। आपको बोला गया है कि आप 9/11 मीन्स 9 तारीख से आप NCL के साइट पे जाकर आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, उन दोस्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो इनका प्रिपरेशन कर रहे थे। प्रिपरेशन जारी रखिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्त अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, मैं बताता हूँ कि जो आपकी NCL नॉर्थन कोल फील्ड लिमिटेड की जो एग्ज़ाम होने वाले उसका सिलेबस क्या है। ये देखिए, आपका नॉर्दर्न कोल फील्ड जो आपका हेम ऑपरेटर पोस्ट थी, जो आपकी आई हुई थी 22/2020 को, उसकी जो सिलेबस है वो मैं दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए। टोटल 187 नंबर, नोटिफिकेशन नंबर 187, डेट जो है 22/10 हेम ऑपरेटर के लिए, जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉमन रिटन टेस्ट जो हर पोस्ट के लिए होगा, फॉर ऑल पोस्ट के लिए उनकी जो आपकी सिलेबस है वो देखिए क्या है। पहला है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल इंजन। आपको डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के बारे में आपकी एलिमेंट्री नॉलेज होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ इंजन कैसे काम करता है, उसका ब्रेकिंग सिस्टम, उसका कूलिंग सिस्टम, उसका सस्पेंशन, उसके क्लचेस, विच ड्राइवर शुड प्रोसेस द इफिशियंट ड्राइविंग ऑपरेटेड ऑफ द मशीन एंड व्हीकल्स। मीन्स आपको डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के सभी बारे में, उसके फंक्शंस कैसे काम करता है, उसका ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, उसका कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, उसके सस्पेंशन और क्लच के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए कि ड्राइवर जो उसको ड्राइव करने में आसानी हो। दूसरा जो है वो जनरल अवेयरनेस नॉलेज, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स, आपकी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जो गवर्नमेंट द्वारा डिफरेंट टाइप के इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं उसके बारे में, और साथ साथ में आपके अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक रूल, क्योंकि आपकी हेम ऑपरेटर की आपको ड्राइविंग हेवी व्हीकल जो आपको ड्राइव करना है, तो आपको ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक सिग्नल्स, आपके जो एमिशन स्टैंडर्ड्स है, आपके सेफ्टी रूल्स क्या क्या है, ठीक है, डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल्स है, आपके क्या प्रेसिमल स्ट्रीट है, डिफरेंट लोकेशन, हर लोकेशन के हिसाब से आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, इंडियन एमिशन स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल्स क्या है, मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, रूल्स ऑफ जनरल साइंस इसके बारे में, और जो आपका बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में क्या क्या आएंगे आपको देख लीजिए, अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, डिस्टेंस स्पीड्स है, टाइम एंड वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, एक्सलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आपके ट्राइंगल्स के रिलेटेड, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, एवरेज टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आपकी जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश में होगी। और एडिशनल टेक्निकल टेस्ट मीन्स जो जो ड्रैगलिंग ऑपरेटर के उनके लिए, तो ये ऊपर वाली जो आपका CWT मीन्स कॉमन रिटन टेस्ट आपको आएगा ही आएगा, उसके साथ आपको एक एडिशनल टेक्निकल टेस्ट देनी होगी, जिसके लिए आपको क्या आएगा, सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशन ऑब्जर्व इन शॉप। आप जब शॉप में रहते हो, जो आपके जो शॉप में आपकी जो सेफ्टी साइंस होते हैं, डेंजर वार्निंग कॉजन, मीन पर्सनल सेफ्टी मैसेजेस, सेफ हैंडलिंग, फ्यूल स्पिलिंग, इसके आपकी जाने प्रिंसिपल ऑफ मेजरिंग टूल्स सच एज आउटसाइड माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, DTI, वर्नियर कैलिपर, डिटेल भरने के लिए, और डिवाइडर प्रोटेक्टर के बारे में आपको जानना होगा, सिस्टम आपको यूनिट ऑफ मास, वेट, टाइम, वॉल्यूम, एंगल्स, एरिया ऑफ एरिया मीन्स CGS, MKS, FPS मीन्स तीनों यूनिट में आपको जानना होगा, नॉलेज अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉय मीन्स एल्यूमिनियम और उसके अलॉय जो है ब्रास, ब्रोंज, कॉपर, आयरन एंड स्टील, उसके बारे में, यूज ऑफ फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, हेक्सागन, पैरेललोग्राम, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन सॉल्विंग व्हीकल प्रॉब्लम्स में, बेसिक नॉलेज आपको आईसी इंजन का होना चाहिए, इट्स प्रिंसिपल एंड डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, नॉलेज ऑफ वेरियस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस लाइक टेम्परिंग, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड हार्डनिंग प्रोसेस के बारे में आपको जाना चाहिए, और एटसेट्रा क्या है, एज पर कोर्स ऑफर्स बाई रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट फॉर MMB ट्रेड और डीजल मैकेनिक और फिटर ट्रेड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए, इसी ये आपका जो हेम ऑपरेटर के लिए जो आपका सिलेबस थी, और हेम्स आपके ऊपर की जो सिलेबस दी गई है ये सारे पोस्ट के लिए है, और नीचे की जो सिलेबस है ये ओनली ड्रैग, इसके साथ साथ आपको ड्रैगिंग ऑपरेटर है उसको
ये पोस्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे। चलिए इसके साथ ही आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं इसके सिलेबस का लिंक और एग्ज़ाम डेट का जो लिंक है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।